गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम ट्वेन कमांग रही है, मैं वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज रविशेखर एंड वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। सो आज है थर्सडे और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था पिछले ब्लॉग में कि मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो कुछ प्लान्स बन रहे हैं, सो प्लान आज इम्प्लीमेंट होगा। सो प्लान क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव पर और वो भी अपने होम टाउन पटना। सो प्लान है कि हम लोग का प्लान बन रहा है पटना जाने का, और पटना जाएंगे लेकिन मैं ड्राइव करके जाना चाहता हूँ, मैं अपनी सफारी पे जाना चाहता हूँ। तो प्लान है कि मैं अपनी सफारी लेके जाऊँगा पटना और लॉन्ग ड्राइव से जाऊँगा और सब लोग जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल क्या है कि मैं और आकांक्षा गाड़ी से जाएंगे और बाद में सब लोग आते रहेंगे, क्योंकि मम्मी डैडी को भी आने का मन है। तो बोला कि ठीक है, आप लोग बाद में आओ, पहले मुझे जाने दो, मुझे वहाँ पहुँचने दो, मुझे घर को साफ करने दो, मुझे पूरा सेटअप करने दो, उसके बाद आप लोग आना। तुम लोग बाद में प्लान है, पर मैं अभी निकल जाऊँगा आज रात को, तो जब तक आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो कि मैं रास्ते में हूँगा। सो ऐसा ही प्लान है। तो टोटल किलोमीटर जो मुझे ट्रैवल करना है वो 37 आवर्स का ट्रिप है, और टोटल आई थिंक 2400 किलोमीटर्स के आसपास होगा पटना के यहाँ से मेरे घर तक का। सो इसको दो दिन में डिवाइड करेंगे। सो पहला दिन मैं जाऊँगा नागपुर, सेकेंड डे मैं कवर करूँगा बनारस, और थर्ड डे पटना। टोटल जर्नी मेरी बैंगलोर टू पटना, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टोटल जर्नी मेरी 2076 किलोमीटर्स की है, और तीन रूट दिखा रहा है वैसे तो, पर मैं जो रूट लेने वाला हूँ वो ये वाला है, पहला वाला। सो बैंगलोर से स्टार्ट करते हुए मैं अनंतपुर क्रॉस करते हुए पहुँचूँगा हैदराबाद, हैदराबाद भी क्रॉस करूँगा पहले दिन, और आगे बढ़ते हुए नागपुर पहुंचूंगा। नागपुर में पहला हॉल्ट लूँगा, पहले दिन का हॉल्ट नागपुर में लूँगा। नेक्स्ट सेकेंड डे में नागपुर से चलते हुए जबलपुर क्रॉस करते हुए रीवा से आगे बढ़ते हुए मिर्ज़ापुर क्रॉस करते हुए पहुंचूंगा बनारस, बनारस के पास जाऊँगा। बनारस में मेरा सेकेंड डे का हॉल्ट होगा, और थर्ड डे मॉर्निंग में मैं बनारस में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हुए दिनारा कोचेस वगैरह लेते हुए बिया आ रहा होते हुए पटना पहुंचूंगा। सो ये मेरा टोटल जर्नी रहेगा। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ डिटेल। सो बैंगलोर से मैं शुरू करूँगा आज रात को, मतलब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, और कल मैं ट्राई करूँगा पहुँचने का नागपुर। पहला हॉल्ट होगा मेरा नागपुर, और नागपुर से कल हॉल्ट करूँगा और अगले दिन सुबह निकलूँगा और बनारस पहुँचने की कोशिश करूँगा, और आखिरी दिन पटना पहुँचूँगा। तो ये मेरा रास्ता मिलूँगा। बाकी जो दो रास्ते हैं मैं वो नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने सुना है कि ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है और शॉर्ट भी है एक तो, और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं इस तरह के। इसलिए मैं ये रास्ता लेने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने देखा मैं तीन दिन में पहुँचने की ट्राई करूँगा। आज सुबह मैं चलूँगा, मतलब कल सुबह मैं चलूँगा, आज रात को कह लो या कल सुबह कह लो, अर्ली मॉर्निंग में निकलूँगा, क्योंकि मैं ट्रैफिक बैंगलोर को अवॉइड करना चाहूँगा, इसलिए मैं सुबह सुबह निकलूँगा, 4 o'clock के आसपास मैं निकलूँगा, और बैंगलोर क्रॉस करते हुए हैदराबाद को टच करूँगा अराउंड 10-11 का मेरा टारगेट रहेगा, 10 o'clock या 11 o'clock के आसपास हैदराबाद टच कर दूँ। हैदराबाद से क्रॉस करके शाम के 4 बजे या 6 बजे के आसपास मैं नागपुर टच करना चाहूँगा, वो मेरा टारगेट है। अब इसमें थोड़ा डिले ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है मैं रुक के जाऊँ, थोड़ा रुकना पड़े, डिपेंड्स करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी लंबी जर्नी की नहीं है। तो मैक्सिमम मैंने अभी तक ड्राइव किया था दैट इज़ 800 किलोमीटर्स, बट उसके बाद ये पहली मेरी जर्नी होने वाली है जिसमें मैं ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर टच करूँगा तीन दिन के अंदर, बट देखते हैं मज़ा आएगा। पहले दिन 1100 के आसपास हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी न्यू एडवेंचर, और मज़ा आने वाला है, खूब मस्ती करने वाला है। फिलहाल मैं और आकांक्षा ही केवल जा रहे हैं,
मस्ती करने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं पटना, और आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, क्या क्या रख रहा हूँ मैं अपने ट्रिप के लिए, ताकि आपको अगर ये सेम रूट ट्राई करना है या आपको सेम रूट पर जाना है तो आपको एडवाइस मिल सके कि ये ब्लॉग देख के मेरा कि कैसे हमने जर्नी कवर किया और क्या क्या शॉर्ट प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या खर्चा आया था, कैसा मैंने प्लान किया इसको, मेरा पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ इस ब्लॉग में, आपको पूरा डिटेल्स मिलने वाला है, ताकि फॉलोइंग मी फ्रॉम टुमारो सारे डिटेल्स दूंगा आपको। तो चलिए फिलहाल करते हैं दिन की शुरुआत। सो गाइस इट्स 10:13 द नाइट, लेट हो गया यार, मैं चलो जल्दी करके सो जाऊंगा लेकिन सो नहीं पाया। सो प्लान है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, प्लस प्लान में बहुत सारा चेंजेस आ गया। अब वो चेंजेस क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। सो चेंजेस ये है कि मम्मी लोग का फ्लाइट था सुबह, मम्मी एक्चुअली मैं और आकांक्षा जा रहे थे सफारी से, बट मम्मी डैडी खुशी और आशी जा रहे थे फ्लाइट से। तो उनकी फ्लाइट सुबह थी लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू फॉग। पटना में इस समय बहुत फॉग है जिस वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सो अभी पूरा प्लान चेंज करना पड़ा है, तो अभी मैं सबको लेके गाड़ी से जाऊँगा कि ऑल्दो एक और फ्लाइट ऑफर किया कि शाम की फ्लाइट है, बट आई डोंट थिंक तो वो भी जाएगी फ्लाइट, क्योंकि अभी भी मुझे खबर मिली कि एक और मेरे रिलेटिव ट्रैवल करने वाले थे इलाहाबाद से, उनकी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। तो क्योंकि नॉर्थ साइड अभी इस समय होता है फॉग जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो इस समय हम रेस ले नहीं सकते। सो अभी क्या करेंगे, अभी प्लान में चेंज है, तो अभी सब कुछ रीअरेंज किया, सब पैकिंग वगैरह चेंज किया, क्योंकि पैकिंग उस हिसाब से होता है कि कुछ लोग कुछ सामान फ्लाइट से जाएगा जनले जाने वाला, और बाकी तो हम लेके गाड़ी से आ ही रहे थे, तो उसमें चेंज होगा अभी, तो वैसे ही करना प्लान चेंज करना पड़ेगा। सो अब लेकिन ये है कि हमने होटल वगैरह सब बुक कर लिया था, तो अभी उसमें भी चेंजेस किया है, और उस हिसाब से मैं थोड़ा अर्ली निकलने का प्लान कर रहा हूँ। सो आई विल बी लीविंग बाई 3 o'clock इन द नाइट, और उसके बाद मैं रास्ता कवर करूँगा और ट्राई करूँगा कल नागपुर पहुँच जाने का। परसों थोड़ा रिलैक्स रहेगा क्योंकि परसों मुझे बनारस तक जाना है, विच इज़ लाइक 700-800 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर, तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं होगा। एंड थर्ड डे वहाँ पर बाबा के दर्शन करते हुए, भोले बाबा का दर्शन होता था, भोले बाबा ने बुलाया इसलिए ऐसा हुआ, तो भोले बाबा के दर्शन करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे पटना। क्या पता भोले बाबा चाहते थे कि सभी उनके दर्शन करें, सिर्फ अजय और आकांक्षा नहीं पूरे परिवार करे, तो अच्छा है जो होता है भोले बाबा की कृपा से होता है ना, तो टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, तो अच्छा ही है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि हम लोग चेकलिस्ट अपना बना के रखा हुआ है। सो मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ें जो कि मुझे करानी चाहिए थी पहले से करा के रख लिया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रैवल कर रहा हूँ नाइट्रोजन डाला गाड़ी में, नाइट्रोजन डालने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि टायर जो होता है लगातार ड्राइविंग से गर्म होने के बाद, क्योंकि सीमेंटेड रोड्स होते हैं कई जगह, सो उस कंक्रीट रोड की वजह से ब्लास्ट होने का डर होता है, टायर फटने का डर होता है, तो इसी वजह से नाइट्रोजन डाला है क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा कूल रखता है। तो ये टिप हमेशा याद रखना, कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो ना, नाइट्रोजन डालो और थोड़ा कम डालो, क्योंकि अगर एक्सपैंड भी करेगा तो वो कूल रहेगा और आराम से निकलेगा गाड़ी। सेकंड, रात को ही मैंने सारा फ्यूल वगैरह रिफिल करा लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब रात को निकलूँ तो रास्ते में मुझे रोक रोक कर फ्यूल के स्टेशन सुनना पड़े, तो इसलिए मैंने सारा फुल फ्यूल करा लिया है। सर्विसिंग अभी गाड़ी की हुई थी, जो कि थर्ड चीज़ है जो कि ध्यान देना चाहिए, अगर आपकी सर्विसिंग ड्यू है तो प्लीज़ करा लो, उसको ड्यू मत रखो, मैंने ऑलरेडी करा रखा है इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से लेके निकल सकता हूँ उसको। गाड़ी की सफाई वगैरह कर दी है, रास्ते के लिए जुगाड़ करके चल रहा हूँ, पानी का मैंने रख लिया अलग से, कीन रख लिया, क्योंकि अब कहोगे कीन इतना बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है, और टॉयलेट वगैरह के लिए मैंने टेंट भी रख लिया, अगर इनकेस ऐसा जगह हुआ कि टॉयलेट वगैरह जाना पड़ा लेडीज़ को और प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी जुगाड़ कर लिया। और बाकी मैंने एक नाइफ रख लिया है कि फ्रूट्स वगैरह काट के खा सकते हैं रास्ते में, कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिया है, कुछ अगर ब्रेड जाम वगैरह, ब्रेड जाम और बटर रख लिया, ताकि अगर कुछ अगर खाने का मन किया और रास्ते में नहीं मिले तो वो भी हम अरेंज कर सकते हैं, और चाय के लिए कुछ केटली रख लूँगा, तो सुबह चाय पी के आराम से निकल सकते हैं, है ना, चाय रास्ते में भी पैक करा लिया तो पीते से चल सकते हैं रास्ते पर। सो ये अब मेरा पूरा प्लानिंग है, तो चलो फिलहाल जल्दी से सोते हैं और सुबह आपको दिखाते हैं कैसे निकलना। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं तक रखेंगे, अभी चलते हैं थोड़ी गाड़ी में देखते हैं, फिर उसके बाद आपको खत्म करते हैं ब्लॉग। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं सामान पैक कर रहा हूँ, और ये मेरा रिक्शा जो मैं हमेशा लेके जाता हूँ,